आज हम लोग एनसीईआरटी के इतिहास में कक्षा 7 की एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर अध्याय 2 है। यहाँ पर नए राजा और उनके साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। इतिहास आपकी सरकारी नौकरी की वो कदम है जहाँ से होकर आप पहुँच पाते हैं, और बिना एनसीईआरटी के आप अपनी सफलता को नहीं पूरा कर पाएंगे। एनसीईआरटी वो बेस है जो सिलेक्शन का आधार है। इस सीरीज में एक एक करके हम सीरीज को पूरा आगे पढ़ेंगे और आप इस अध्याय के अंत तक बनी रहिएगा। आज का टॉपिक थोड़ा सा छोटा है, नए राजा उनके साम्राज्य के बारे में। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की चर्चा करता है। क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ ई लर्निंग दुर्गेश ऐप पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, कामरूप है, ये पहाड़पुर है, पाल है, बनारस, चंदेल, प्रयाग, नेपाल, तिब्बत, कन्नौज, ये गंगा नदी है, गंगा, यमुना, चंबल, चंबल नदी है, परमार, अनरटा, मंसूर के अरब सुल्तान, यहाँ देखिए झेलम नदी है, ब्यास नदी, कश्मीर, रायस। आइए अब इस मानचित्र को पूरा देखने के बाद राष्ट्रकूट, यहाँ देखिए परिवर्तनशील सीमाएँ हैं। तो ये जो सीमाएँ हैं ये परिवर्तनशील सीमा है, ऊपर भी आपने इसे देखा होगा। अब इसके तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। नए राजवंश, यहाँ पर क्या पढ़ना है, नए राजवंश। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर मैंने पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। इस तरह एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। कहाँ थे वो, शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं कर तो लाइक करिएगा। उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य शासकों का इस्तेमाल किया। मिसाल वेब तौर पर कदम, मरुसमर, गुर्जर, प्रतिहार, हरिचंद, ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य में सफलतापूर्ण स्थापित कर लिया। हम बात करते हैं राज्यों में प्रशासन। नए राजाओं में कईयों ने महा राजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवनों का स्वामी और ऐसी तरह तरह की अन्य भारी भरकम, साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मण के संगठनों के साथ साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों, संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी निश्चयों को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, माने किसान, पशुपालक, कारीगर से इकट्ठा किए जाते थे, संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इन हिस्सों को लगान मानकर वसूला भी जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। प्रशस्तियों और भूमि अनुदान की अगर हम बात करें तो प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में विद्वान ब्राह्मण द्वारा रची गई थी। वे अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। धन के लिए युद्ध प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र गंगा घाटी में कन्नौज नगर भी था। अगर हम बात करें गुर्जर और प्रतिहार, राजकोट पाल वंशों के शासकों ने सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी लड़ाई में तीन पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की थी। ये सवाल आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है या किसे कहा जाता है। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद 997 से लेकर 1003 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। निशाना थे संपन्न मंदिर, जिन्हें गुजरात के सोमनाथ मंदिर भी शामिल था, जिनमें महमूद जो धन उठा ले गया इसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अलबरूनी जिसका किताब है अल हिंद में सुल्तान महमूद का लेखा जोखा लिखा है। चहमानो मने चौहान, पृथ्वीराज चौहान जिसे सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक
अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरी साल 1192 उसके हाथों हार गया। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये एनसीईआरटी है पूरा। और आप लोग इस वीडियो को अपने चोल राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पाते जो परिवर्तनशील सीमा है यही है, कलिंग है, कलिंग दक्षिण है, वेगी है, काकती है, वनवासी है, नुमा वादी है, गंगा वादी, चोल, कोची, उरैर, मदुरई, पांडेन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये परिवर्तनशील सीमा रही है चोल राज्य की। अगर हम कावेरी डेल्टा मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे मुखिया परिवार की सत्ता थी, वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुठियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निसुमसुद्दीनी देवी का मंदिर भी बनवाया था। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम ने, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना। उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों को अपने नियंत्रण का विस्तार किया। राजराज ने पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा उरैयूर के तंजावुर तक। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ, ये भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये एनसीईआरटी का पूरा डेटा है, ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गैंगे कोडचुलपुरम के मंदिर स्थापत्य मूर्तिकला की दृष्टि एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर सिर्फ पूरा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र रहे। ये मंदिर शासकों के अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो मंदिर केवल पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएँ देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएँ भक्तों की भी बनाई गई थी। अगर हम कृषि और सिंचाई की बात करें तो चोलों की कई उपलब्धियों की भारत किसी क्षेत्र में विकास द्वारा लिखी गई है। कावेरी नदी की कई छोटे चैनलों में बटी और बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ये नहरें अक्सर अपने तटों पर उपजाऊ मिट्टी बिछाते हुए ओवरफ्लो हो जाती थी। नहरों का पानी चावल उत्पादन सहित कृषि के लिए आवश्यक नमी भी प्रदान करता था। यद्यपि कृषि पहले तमिलनाडु के अन्य भागों में विकसित हुई, यहाँ केवल 5वीं या 6वीं शताब्दी में था इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खेती के लिए खोल दिया गया था। कुछ क्षेत्रों में वनों की कटाई की तथा अन्य क्षेत्रों में भूमि को साफ करने का भी कार्य किया गया। सिंचाई के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया गया। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कुएं खोदे गए, अन्य क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए विशाल जलाशय का निर्माण भी किया गया। इस प्रकार हम किसी सिंचाई क्षेत्र में देख सकते हैं चोलों की उपलब्धियाँ। अगर साम्राज्य के प्रशासन की बात करें, अच्छा और मजबूत प्रशासन एक मजबूत और शक्तिशाली राज्य का विकास की नींव है। चोल प्रशासन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ देखिए, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं टेलीग्राम पर, आप लोग दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सभी लोग जुड़ जाइएगा, जितने भी साथी मित्र देख रहे हैं। खेती और सिंचाई सुविधा विस्तार के कारण उर के नाम से जाने वाले किसानों के समुदाय और बस्तियाँ समृद्ध हो गई। गाँव के समूह का नाडू कहा जाता था। गाँव में नाडू और परिषद को न्याय प्रदान करने और करों के संग्रह जैसे विभिन्न कार्य किए गए। बिलाला जाति के धनी किसान शक्तिशाली हो गए। नाडू के मामलों पर इनका नियंत्रण भी हो गया था। इसकी स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। कुछ धनी जमींदारों ने राजाओं से उपाधियां प्राप्त की, जैसे कि अरैयर, और उन्हें राज्य के महत्वपूर्ण पद नियुक्त किया गया। चूँकि ब्राह्मण राजा के ब्रह्मदेव के रूप में जाना जाने वाला भूमि अनुदान प्राप्त हुआ, इसलिए कावेरी घाटी में बड़े ब्राह्मणों की बस्ती का उदय हुआ। प्रत्येक भूमि अनुदान का प्रबंधन ब्राह्मण जमींदारों की सभा द्वारा कुशलतापूर्वक किया जाता था। व्यापारियों का संघ, जिसे नगरम के नाम से जाना जाता था, कभी कभी कस्बों में प्रशासनिक कार्य था। तमिलनाडु के चिंगलेटपुर जिले के कई शिलालेख इस बात के मूल्यवान स्रोत साबित हुए कि सभा अपने कार्यों का निर्वहन कैसे किया। विभिन्न समितियों का गठन किया गया जो सिंचाई कार्यों, बगीचों के रखरखाव आदि की देखरेख करती थी। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है, जहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी का पाठ 2 नए राजा उसके राज्य को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके प्रश्नोत्तर को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ गुर्जर, प्रतिहार, गुजरात और राजस्थान, राष्ट्रकूट, पश्चिमी दक्कन, पाल, बंगाल, चोल, तमिलनाडु। एक सवाल है यहाँ पर, 30-25 संघर्ष में
तीन पक्ष कौन कौन से थे, इसका जवाब कमेंट करके दे सकते हैं। यहाँ पर दिया गया गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे, क्योंकि इस लंबी लड़ाई में तीन पक्ष, इसलिए इतिहासकार प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे थे। इसी के साथ चोल साम्राज्य में सभा किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभा की। और आप लोग नोट संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी ले सकते हैं। सभी नोट संबंधी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करिएगा, डेली क्लास में बने रहिएगा। टेलीग्राम पर इसकी लिंक मिलती रहती है सभी क्लास की, जहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं कि आपके सभी क्लास मिलते रहे। 6 से लेकर 12 तक की सभी NCERT हिंदी और इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है, जो आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश की ऐप से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। NCERT आपकी सफलता की कुंजी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। वैसे सीरीज को हम जल्दी आगे कंटिन्यू करेंगे, आप थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि अगला लेसन थोड़ा सा बड़ा होगा। एक एक करके पढ़ते रहेंगे, आप वीडियो को बनाए रखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए अगली सीरीज लेकर आएँ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।